खबर प्रयागराज से है, जहां बहरिया थाना क्षेत्र के रैनी गांव में एक ग्राम सभा की जमीन पर दो पक्षों के कब्जे को लेकर तनाव बना हुआ है। आरोपी के एक पक्ष सरकारी जमीन पर निर्माण कर हड़पना चाहता है, वहीं दूसरे पक्ष के दलित लोग उस जमीन पर अंबेडकर की मूर्ति रखना चाहते हैं। तनाव को देखते हुए बहरिया पुलिस बल मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य को रोकते हुए अंबेडकर मूर्ति को कब्जे में लेने का दलितों ने पुलिस पर आरोप लगाया है। फूलपुर तहसील के रैनी गांव स्थित भूखंड संख्या 566 जो नवीन पड़ती जमीन है, दलितों का आरोप है कि इस जमीन पर गांव के लोगों द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा है। वहीं दलितों का कहना है कि इसी जमीन पर कई वर्षों से अंबेडकर जयंती मनाई जाती है, अब दोनों पक्ष सार्वजनिक जमीन को कब्जा करने के लिए आमने सामने हो गए हैं। तनाव को देखते हुए बहरिया पुलिस मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य को रोककर अंबेडकर मूर्ति कब्जे में लेकर शांति व्यवस्था कायम करने का प्रयास की है। इस संबंध में फूलपुर एसडीएम शुभम श्रीवास्तव ने कहा कि सरकारी जमीन पर कोई भी अवैध रूप से कब्जा करेगा उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं थानाध्यक्ष बहरिया रमेश सिंह ने बताया कि अशांति व्यवस्था फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? सुनीता। कहाँ, कौन सा गांव है आपका? रैनी। थाना क्या है? बहरिया। क्या मामला है? मेरा मामला है, हम लोग बाबा अम्बेडकर की मूर्ति लगाते हैं और मेरे घर में रखे थे, यही सोचते हम लोग सलाह किए थे कि हम लोग कखात ही मूर्ति लगाएंगे। हम लोग लाए और घर में रखे हुए और कखात ही सोरा पुष्टि करके रुपये के बल से उन्हें पैसा दिया और लेकर आए। आए पर आठ बजे रात पुलिस आई और रमेश सिंह ने घसीटते हुए और बेरहमी से पटकते हुए लेकर हमारे बाबा अम्बेडकर भीमराज को मूर्ति ले गाली देते हुए कखाथिन दिए हैं। गंदी गंदी बकते थे हमारे बच्चे, बड़े और बड़ी बड़ी लड़कियां थी, वो सब बेरहमी से ऐसा ऐसा काम कर दिया कि बताने लायक नहीं। ये रमेश सिंह कौन है? सो बहरिया का है।